हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं वरद सैनी और आज के इस वीडियो में हम हमारे हिस्ट्री के जो एंशियंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं उस सीरीज़ को आगे करते हुए फिफ्थ वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बाइलिंगुअल इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस और आंसर मिलेंगे। और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि संभवनाथ ने कितने वर्षों के अभ्यास के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था और धर्म तीर्थ का गठन किया था। तो जिस प्रकार हम जैन तीर्थंकरों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी में जब हमने पहले अजीतनाथ के बारे में बात करी थी, अब हम बात करेंगे संभवनाथ के बारे में। तो संभवनाथ जो अजीतनाथ के बाद आए थे और कैवल्य ज्ञान को जिस प्रकार हमने डिस्कस किया था, कैवल्य क्या होता है, जब ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है तो जैन धर्म में उसे कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। तो संभवनाथ को कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने में 14 ईयर्स लगे थे, 14 वर्ष लगे थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी। तो अब जानते हैं संभवनाथ के बारे में कुछ और बात। तो संभवनाथ जो थे वर्तमान युग के तीसरे जैन तीर्थंकर थे और इनके पहले थे अजीतनाथ, जिनके बारे हमने बात करी थी कि बेल इनका प्रतीक था। और संभवनाथ का जो जन्म था वो राजा जितारी और रानी सुसेना से श्रावस्ती में हुआ था। तो ये हुआ संभवनाथ के बारे में डिटेल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि संभवनाथ जो थे उनका प्रतीक क्या था, हाथी, गाय, घोड़ा या फिर कछुआ। तो संभवनाथ तीर्थंकर का प्रतीक जो था वो था घोड़ा और अजीतनाथ का था बेल, जो हमने डिस्कस किया था। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो घोड़ा है इसका अर्थ क्या है, जो संभवनाथ तीर्थंकर का जो प्रतीक है अश्व, उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है संयमित हृदय, रिस्ट्रेंड हर्ट। तो ये इसका मतलब है कि इसका व्हाट इज़ द सिंबल और इस सिंबल का फिर आगे मीनिंग क्या है। तो पहले क्वेश्चन था कि इसका सिंबल क्या है और उसके बाद है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका जो सिंबल है वो मिलता है हमें अश्व, और अश्व का जो मतलब यहाँ निकलता है, मीनिंग जो निकलता है वो है संयमित हृदय। तो ये इसका आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन ये है कि इस घोड़े का मोरल क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द हॉर्स, इसका वहाँ पे प्रतीक होने का वहाँ पे मोरल क्या है। तो इसकी नैतिकता जो है वो है विनम्रता, संयम और ज्ञान। तो अर्थात ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिलके इसकी मोरलिटी को बनाती है और इन्हीं चीज़ों को इसका आंसर हम बताएंगे। तो इसका आंसर है ये तीनों चीज़ें, ऑल ऑफ द अबव, पोलाइटनेस, रिस्ट्रेंट और नॉलेज। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी। तो यहाँ पे हमने संभवनाथ के बारे में जाना और उनके प्रतीक के बारे में जाना और उनके प्रतीक का मतलब क्या है और उसकी नैतिकता क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी संभवनाथ तीर्थंकर के बारे में ही है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरिंग यंग एज व्हाट डिड संभवनाथ तीर्थंकर फील व्हाइल वॉचिंग द डिस्पर्सल ऑफ मेडाइवल क्लाउड्स। युवावस्था के दौरान मध्ययुगीन बादलों के फैलाव को देखते हुए संभवनाथ तीर्थंकर ने क्या महसूस किया था और उस फीलिंग के साथ वो वैराग्य की तरफ चले गए थे। तो वो फीलिंग थी वैराग्य की और हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मोटिफिकेशन। तो ये इसका सही आंसर है। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि संभवनाथ तीर्थंकर के धार्मिक परिवार में कितने गणधर थे। गणधर से तात्पर्य है कि उनके कितने शिष्य थे। आप ये समझ सकते हैं गणधर को, आप अगर हिंदी में उसका मीनिंग समझना चाहेंगे तो आप शिष्य मान सकते हैं कि उनके साथ कितने लोग थे, कितने उनके शिष्य थे। तो वो थे 105। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि जैन शास्त्रों के अनुसार आप इस दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए और ये है मन्नो सहसिसो भीम दुर्थासो परिधावद है। तो ये इसका सही आंसर है जो जैन शास्त्रों के अनुसार आपको पूरा एक कोटेशन मिलता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन है कि जो अभिनंदन नाथ तीर्थंकर थे वो कौन से वंश में पैदा हुए थे। इससे पहले हम संभवनाथ के बारे में बात कर रहे थे, उसके पहले हमने अजीतनाथ के बारे में बात करी थी। तो अब जो अभिनंदन नाथ जो तीर्थंकर थे वो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे।
अब जानते हैं अभिनंदन नाथ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। तो अभिनंदन नाथ जो थे वो अभिनंदन स्वामी वर्तमान युग के चौथे तीर्थंकर थे, ये हमने बात करी। तीसरे कौन थे? संभवनाथ थे। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ थे। और ये सब हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनका जो जन्म था वो अयोध्या में राजा संवर और रानी सिद्धार्थ से इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और इनका जो जन्म तिथि है वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल महीने का दूसरा दिन था। तो ये हमने जाना कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनका वंश क्या था और इनका नाम क्या है और कौन से तीर्थंकर ये जैन धर्म के हैं। तो ये हमने अभिनंदन नाथ के बारे में जाना। अब जो इनका जन्म हुआ था वो कौन से नक्षत्र में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो इनका जन्म हुआ था पूर्वांशु नक्षत्र में। ये नक्षत्रों के कुछ प्रकार हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इनका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था। ये हमने बात करी अभिनंदन नाथ के बारे में। अब इनकी माता का क्या नाम था, जो हमने अभी एक स्लाइड पहले डिस्कस किया था। तो इनकी माता का नाम था सिद्धार्थ देवी। तो इनकी माता का नाम हमने यहाँ पे डिसाइड किया, डिस्कस किया। अब क्वेश्चन है कि अभिनंदन नाथ तीर्थंकर के पहले गणधर का नाम क्या था, जो इनसे शिक्षा ली, जिन्होंने पहले सबसे पहले इनसे शिक्षा ली, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम यहाँ पे था वज्रनाथ। तो इसका सही आंसर है ए। तो अभिनंदन नाथ ने अपने सबसे पहले शिष्य वज्रनाथ को दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जो थे, दीक्षा प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के बाद उन्होंने पहला पढ़ना शुरू किया था। पढ़ना अर्थात जब जैन धर्म के अंदर कोई फास्ट रखता है और फास्ट रखने के बाद जब वो पहली बार कुछ खाते हैं तो वो किस चीज़ से शुरू करते हैं, कितने दिन के बाद वो खाते हैं, उन चीज़ों के बारे में ये डिस्कस किया जाता है। तो पढ़ना, पहला पढ़ना दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने दो दिन के बाद पहला पढ़ना किया था, कुछ खाया था। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी। अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि अभिनंदन नाथ जो तीर्थंकर थे, उनको जब दीक्षा प्राप्त हुई और दीक्षा प्राप्त होने के बाद दो दिन के बाद उन्हें अपना पहला पढ़ना शुरू किया था। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जब पहला पढ़ना उन्होंने शुरू किया तो वो किसके साथ किया, कौन सा फूड था जिसके साथ उन्होंने पहला पढ़ना शुरू किया था। तो इसका सही आंसर है बी, खीर। खीर के साथ उन्होंने अपना पहला पढ़ना शुरू किया था। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, पढ़ना मतलब जब फास्ट रखते हैं उसके बाद जो पहला खाना खाया जाता है उसको जैन धर्म में पढ़ना कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि अभिनंदन नाथ जो तीर्थंकर थे उनके यहाँ गणधर की संख्या कितनी थी। तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि गणधर का मतलब होता है कि किसी को जिसको हम एजुकेशन दे या फिर किसी को जिसको हम अपनी शिक्षा दे, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, चाहे वो कैवल्य का ज्ञान प्राप्त हो, चाहे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, या फिर हम किसी को टीचिंग दे रहे हैं, तो जब वो हम जिसको ज्ञान दे रहे हैं वो हमारा गणधर हो जाता है। तो इसी प्रकार अभिनंदन नाथ जो तीर्थंकर थे उनके गणधरों की संख्या यहाँ पे पूछी गई है। तो उनके 116 गणधर यहाँ पे थे। तो हमने जाना कि अभिनंदन नाथ तीर्थंकर के कितने गणधर थे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि संभवनाथ के कितने गणधर थे, वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये है कि दीक्षा जब प्राप्त हो गई थी उसके बाद किस वृक्ष के तहत अभिनंदन नाथ तीर्थंकर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। अब कैवल्य ज्ञान क्या होता है कि कैवल्य ज्ञान के तहत हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को हम कैवल्य ज्ञान कहते हैं जैन धर्म में। आत्मज्ञान, जब पूरी ज्ञान का आत्मसात हो जाता है, जब उसको उस कंडीशन को जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। अब ये पूछा जा रहा है कि किस वृक्ष के नीचे उन्हें इस कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देवदार जो वृक्ष होता है उसके नीचे अभिनंदन नाथ तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जो क्वेश्चन है कि अभिनंदन नाथ जो तीर्थंकर थे उनके द्वारा जो कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका क्या अर्थ था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैवल्य ज्ञान एनलाइटमेंट रिसीव्ड बाय अभिनंदन नाथ तीर्थंकर। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्या मीनिंग था। तो वो जो ज्ञान था उसको हम ब्रह्म विद्या,
उसके हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, अर्थात अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जो थे उनका ज्ञान ब्रह्म विद्या से हम रिलेट कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेएनयू के अनुसार अभिनंदन नाथ ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण प्राप्त करने से मतलब है कि जब हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब हम उस चीज़ को मतलब हम देह जब त्यागना चाहते हैं फाइनली, उसको निर्वाण प्राप्त करना कहा जाता है जैन धर्म में। तो हमने ये डिस्कस किया कि निर्वाण क्या होता है, इससे आगे चल के भी हम इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे कि निर्वाण के बारे में जैन धर्म में क्या लिखा गया है। तो निर्वाण अर्थात जो जीवन मृत्यु का जो साइकिल चलता है कि एक इंसान एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है और उसके बाद उसका वहाँ से मृत्यु होने के बाद नेक्स्ट वो जन्म लेता है, इस प्रकार इन चीज़ों से जब ऊपर उठ के इंसान ऊपर उठ जाता है उसको निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं जैन धर्म के अंदर। तो जैनियों के अनुसार अभिनंदन नाथ ने किस जगह पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो इसका सही आंसर है सम्मेद शिखर, यहाँ पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। अब जानते हैं निर्वाण के बारे में कुछ बातें। तो जैन धर्म में इसका अर्थ है कि कर्म के आखिरी बंधन खोल देना, जब एक प्रबुद्ध मानव अर्थात एक एजुकेटेड और एक अपने अंदर ज्ञान को समाहित जो कर चुका है वो मानव, जैसे कि एक तीर्थंकर या फिर कोई अरिहंत जिसको खूब ज़्यादा नॉलेज हो, अपने शेष अघातीय कर्मों या अघट्य कर्मों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात जो कर्म उसके पिछले जन्म के थे उनको नष्ट कर देते हैं और इस तरह अपने सांसारिक अस्तित्व को समाप्त करते हैं, तब इस अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। तकनीकी तौर पर एक अरिहंत के शरीर को त्याग देने को अथवा उनके शरीर की मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो ये निर्वाण की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी, जो आप पूरा तरीके से समझ सकते हैं कि निर्वाण क्या होता है। और हमने ये भी जाना कि जो अभिनंदन नाथ तीर्थंकर थे उन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो सम्मेद शिखर नाम की जगह पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है कि सुमित नाथ जो तीर्थंकर थे वो किसकी गर्भ से पैदा हुए थे। तो सुमति नाथ कौन थे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुमति नाथ वर्तमान युग के 5वें जैन तीर्थंकर थे और इनका जन्म जो था क्षत्रिय राजा मेघा या फिर मेघ प्रभा और रानी मंगला या फिर सुमंगला से अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। तो इक्ष्वाकु वंश में हमने पहले ही बात करी है और इनका भी जन्म इक्ष्वाकु वंश में ही हुआ था और जन्मदिन तो था वो जैन कैलेंडर के वैशाख शुद्धि महीने का 8वां दिन था। तो ये बात करी कि इनका जन्म किनकी कोख से हुआ था, सुमंगला इनकी माता का नाम था, उनके पिता का नाम हमने देखा राजा मेघा था जो इक्ष्वाकु वंश से थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था। तो इनका जन्म जो था माघ नक्षत्र में हुआ था। ये इनके जन्म के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। अब बात करते हैं कि इनके कितने गणधर थे, गणधरों की संख्या क्या थी। जैसा कि हमने पहले बात करी कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले हम जिन लोगों को अपने ज्ञान को बांटते हैं, जो हमारे ज्ञान को सुनते हैं, उनको हम गणधर कहते हैं, शिष्य आप उन्हें मान सकते हैं। तो सुमति नाथ तीर्थंकर के 100 गणधर थे जो आप शिष्य कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमति नाथ तीर्थंकर के पहले गणधर कौन थे जिनको उन्होंने एजुकेशन दी थी, अपना ज्ञान दिया था, और वो थे चारम स्वामी। तो चारम स्वामी सुमति नाथ के पहले गणधर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुमति नाथ तीर्थंकर ने किस हिंदी महीने में दीक्षा को प्राप्त किया, दीक्षा प्राप्त की। तो जब नॉलेज के लिए हम बाहर निकलते हैं परिवार छोड़ के तो उसको दीक्षा प्राप्त करना कहा जाता है, जब उनको दीक्षा मिल जाती है उसको कहते हैं दीक्षा प्राप्त करना। तो उन्होंने वैसाख के महीने में दीक्षा प्राप्त की थी। अब दीक्षा के बाद जब उनको जाना होता है कैवल्य ज्ञान की तरफ, कैवल्य ज्ञान जब उसको ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति को हम कैवल्य ज्ञान कहते हैं, तो सुमति नाथ तीर्थंकर को शिक्षा या ज्ञान कहाँ से मिला था, अयोध्या से मिला था, नासिक से मिला था, उज्जैन से मिला था या किशिंदा से मिला था। तो उनको नॉलेज या ज्ञान जो था वो अयोध्या से मिला था।
तो ये हम इसका आंसर हुआ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सुमति नाथ तीर्थंकर जो थे उन्होंने कितने वर्षों तक प्रार्थना की जिससे कि उन्हें आत्मसात हो, ज्ञान का आत्मसात हो, उन्हें ज्ञान अपने अंदर वो ज्ञान को समा सके, इसके लिए उन्होंने कितने वर्षों तक प्रार्थना की थी, तो वो थे 20 वर्ष तक उन्होंने ज्ञान के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वृक्ष के नीचे सुमति नाथ तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो था प्रियंगू, जो वृक्ष था उसका नाम हम उस प्रियंगू प्रकार का वो वृक्ष था जहाँ पे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बात फिर से यही कि सुमति नाथ तीर्थंकर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो निर्वाण हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जन्म और मृत्यु इसके चक्र से मुक्ति पाना ही निर्वाण कहलाता है जैन धर्म के अंदर, तो सुमति नाथ तीर्थंकर को भी निर्वाण सम्मेद शिखर जगह से ही प्राप्त हुआ था। तो ये हमने बात करी सुमति नाथ तीर्थंकर के बारे में। अब बात करते हैं कि उन्हें जब दीक्षा प्राप्त हुई थी और जब उन्होंने पहला परना किया था तो वो कौन से भोजन के साथ किया था, वो था खीर। तो खीर के साथ उन्होंने अपना पहला परना किया था। तो यहाँ तक हमने जैन तीर्थंकरों के बारे में खूब बात करी है, हमने जैन तीर्थंकरों के हमने खूब तीर्थंकर जो थे उनके बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार से वो कौन से वंश से आते हैं, उनके माता पिता कौन थे, उनको कहाँ परना, किस प्रकार उनको दीक्षा मिली, उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका निर्वाण हुआ, परना कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जैन धर्म के बारे में और जैन तीर्थंकरों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन प्रणाली के बारे में, जो दर्शन होते हैं, जो किताबें जो हमें यहाँ पे मिलती है, जैसा कि आपने सांख्य शास्त्र के बारे में सुना होगा, इस प्रकार के जो दर्शन होते हैं जो हमें हमारे हिंदू शास्त्रों में मिलते हैं, जो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक आइडियोलॉजी होती है, ये चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसोफी जो है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो भारतीय दार्शनिक प्रणाली है, तो जिस ये फिलोसोफिकल जो सिस्टम है, लोगों की जो फिलोसोफी है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग जो वेदों के अधिकार को मानते हैं, दूसरा भाग जो वेदों के अधिकार को नहीं मानते हैं। तो इंडियन जो फिलोसोफी है क्या वो दो हिस्सों में बटी हुई है वेदों के आधार पे? जी हाँ, ये सही है। तो वेदों के मानने वाले भी फिलोसोफी रखते हैं अपनी, और वेदों को नहीं मानने वाले भी अपनी फिलोसोफी रखते हैं। तो भारतीय दार्शनिक प्रणाली को हम इन दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला कथन सही है, उसके बाद दूसरा कथन। तो कुछ जो हमारे दार्शनिक शास्त्र हैं, जो प्रणालियाँ हैं, वो आपको सुप्रीम बीइंग में आपको उनका अस्तित्व बताती है कि हाँ, हम किसी एक सर्वशक्तिमान में विश्वास रख सकते हैं, जिसको हम रूढ़िवादी प्रणाली या आस्तिक कहते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रणालियाँ आपको ऐसी मिलती हैं जो अपरंपरागत हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो सुप्रीम बीइंग पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इन दो हिस्सों में भी हम हमारे दर्शन प्रणालियों को बांट सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे आपको सही मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, ए एंड बी दोनों। तो इसका सही आंसर है सी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सभी जो स्कूलें हैं, जो फिलोसोफिकल जो आइडियोलॉजीज हैं, उनकी स्कूल जो है वो इस बात पर जोर देती हैं कि दर्शन जो होता है उसका मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए कि फिलोसोफी और थिंकिंग और आइडियोलॉजी को फॉलो करने के बाद। और जो स्कूलों का पुरुषार्थ है वो उसका जो स्कूलों का पुरुषार्थ है इसका महत्व है, इस महत्व के लिए एक सामान्य समझौता है कि हमें उसमें किसी जो व्यक्ति किसी आइडियोलॉजी फिलोसोफी को फॉलो करता है तो उसके अंदर पुरुषार्थ का भाव आना चाहिए। इस प्रकार का एक सामान्य समझौता सभी के सभी स्कूल रखते हैं। तो ये कथन सही है, जो सभी दर्शनों के बारे में कॉमनली कहा गया है। उसके बाद सभी स्कूल इस बात पर सहमत है कि दर्शन को मानव जीवन के मुख्य सिरों को समझने में मनुष्य की मदद करनी चाहिए, कि मनुष्य का फाइनल टारगेट क्या है,
क्या उसका मेन एम है, तो इन सब चीज़ों से सांसारिक जो मोह माया है उससे अलग हटके जो दर्शन, जो फिलोसॉफी है, जो एक आइडिया दिखाती है, उसको समझने में जो ये दर्शन है वो उस मेन सुप्रीम आइडिया तक पहुंचाने में मनुष्य की हेल्प करनी चाहिए, इस प्रकार की बात यहाँ कही गई है। इसके अलावा कहा गया है कि पुरुषार्थ जो है वो होते हैं, अर्थ होता है, काम होता है, धर्म होता है और मोक्ष होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं स्कूल्स को लेके और दर्शन के बारे में लेके। तो फिर से इसका आंसर होगा सी, अर्थात एक और दो दोनों यहाँ पे आपको सही देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली चावार्कवाद, आजीविक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधारा को बनाए रखती है। इससे पहले हमने एक बार डिस्कस करी थी कि हमारी जो फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो रूढ़िवादी है, जो एक किसी सुप्रीम बीइंग पे विश्वास रखते हैं। एक वो जो अपरंपरागत हैं, जो सुप्रीम बीइंग पे विश्वास नहीं रखते हैं। और अगर आपको पता हो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो हैं वो सुप्रीम बीइंग पे विश्वास पे नहीं जाते हैं, इसीलिए जैन धर्म के अंदर आपने देखा होगा हमने तीर्थंकरों को डिस्कस किया है, वो तीर्थंकरों की छवियों को मानने में विश्वास रखते हैं लेकिन किसी एक सुप्रीम बीइंग पे विश्वास नहीं रखते। तो इससे आप इस क्वेश्चन के आंसर को पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर जो दर्शन आते हैं, जो इनको फॉलो कर सकते हैं, तो जो इन विचारधारा पे चलते हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली में, जो सुप्रीम बीइंग पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, तो इसका सही आंसर हमें मिलेगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियाँ वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा की विचारधारा को बनाए रखती है। तो ये सारी की सारी जो प्रणालियाँ हैं ये रूढ़िवादी हैं, ये एक सुप्रीम बीइंग, ये आस्तिक प्रकार की प्रणालियाँ आपको देखने को मिलती है, इसलिए ये भारतीय दर्शन की रूढ़िवादी प्रणाली के तहत आती है। तो इसका सही आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय दर्शन की सांख्य प्रणाली के संस्थापक कौन थे। तो सांख्य प्रणाली के इस संस्थापक और इसके बारे में हमने क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं इसी सीरीज़ में, तो वो है कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो है वो भारतीय सांख्य प्रणाली के संस्थापक हैं, उनको माना जाता है। उन्होंने जो सांख्य शास्त्र में काम किया है, जो इस फिलोसॉफी और आइडिया पे काम किया है, वो आप ये कह सकते हैं अतुलनीय है, इसीलिए उनको इसका आप ये कह सकते हैं संस्थापक माना जाता है भारतीय दर्शन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किसे न्याय स्कूल जो है और जो न्याय सूत्र पर आधारित है वो किसने लिखी है। तो वो गौतम मुनि के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी। तो न्याय जो स्कूल है उसको हम रिलेट कर सकते हैं गौतम मुनि से। कपिल मुनि को हम अभी पहले वीडियो में, अभी पहले स्लाइड में डिस्कस किया है, उसको हम सांख्य प्रणाली से डिस्कस कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। अब आता है विशेषिका। तो इस स्कूल से इसकी स्थापना जो की गई है वो कनाडा द्वारा की गई है, उनसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं, और वो ये कि भारतीय जो दर्शन शास्त्र हैं उसके स्कूल जो हैं वो वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। हमने जाना कि दो प्रकार की स्कूलें वहाँ पे हैं, जो अधिकार को स्वीकार करती है और जो अधिकार को स्वीकार नहीं करती है। तो वे स्कूल जो वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करती है उनको भारतीय दर्शन शास्त्र का विधर्मिक स्कूल बोला जाता है, और भारतीय दर्शन शास्त्र का विशेषिका स्कूल जो है वो रूढ़िवादी स्कूल भारतीय दर्शन है। तो जो विशेषिका है वो विश्वास करती है रूढ़िवादिता पे, वो उसमें नहीं है जो वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं, ये उनमें से हैं जो वेदों के अधिकार को स्वीकार करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया विशेषिका के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें पूर्व मीमांसा के लिए दो कथन दिए गए हैं, और उनमें से हमें सही कथन चुनना है। तो पहला कथन है कि वेद व्यास के जो शिष्य थे ऋषि जैमिनी, क्या उन्होंने पूर्व मीमांसा की प्रणाली का प्रचार किया था या फिर उसको लिखा था या उसके बारे में उसका कुछ
आप ये कह सकते हैं रिटर्न जो काम था वो उन्होंने किया था। तो पहले हम जानते हैं पूर्व मीमांसा के बारे में, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्या होती है मीमांसा? मीमांसा का अर्थ है जिज्ञासा पाणिनि के अनुसार, और जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की लालसा, और पूर्व मीमांसा का मतलब है जानने की पहली जिज्ञासा कि इसके हम पहले ही सबसे पहले इस चीज़ को जान ले, ये होता है पूर्व मीमांसा। और इस जो किताब को लिखा गया है इसके 16 अध्याय है, और मनुष्य जब इस संसार में अवतरित हुआ उसकी प्रथम जिज्ञासा यही रही कि वह क्या करे। इसीलिए इस दर्शन शास्त्र का प्रथम सूत्र जो है वो मनुष्य की इस इच्छा का प्रतीक है, तो ये हमने जाना। और इस 10 दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है, इसके जो 10 दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है वो महर्षि जैमिनी है। तो अर्थात जो पहला कथन था वो सही है। उसके बाद दूसरा कथन है कि पूर्व मीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य वेदों के अधिकार की व्याख्या और स्थापित करना है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि पूर्व मीमांसा उसी श्रेणी में आता है जहाँ पर रूढ़िवादी जो प्रणाली है उसके तहत हमारे जो दर्शन है वहाँ पर पूर्व मीमांसा आता है, जो वेदों के अधिकार की व्याख्या भी करता है और उन पर विश्वास भी करता है। तो ये कथन भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आंसर हुआ सी, बोथ 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि द वेदांता और उत्तर मीमांसा स्कूल कंसंट्रेट्स ऑन द फियोसोफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद। अर्थात जो वेदांत और उत्तर मीमांसा स्कूल है वो उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षा पर विश्वास करती है, सेंट्रल आप ये कह सकते हैं उन पे सेंट्रलाइज है, उन पे कॉन्सेंट्रेट करती है, उन पे केंद्रित है, न कि ब्राह्मणों की दी गई स्पिरिचुअल से या फिर उनके द्वारा जो अनुष्ठान और बलिदान के निर्देश दिए जाते हैं उन पर। तो मेन जो कंसंट्रेशन है वो उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षा पर है, न कि ब्राह्मणों की। तो ये पहला कथन है किसके बारे में? उत्तर मीमांसा या वेदांत के बारे में, जो कि सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि वेदांता फोकस ऑन मेडिटेशन सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी मोर देन द ट्रेडिशनल रिचुअलिज्म। अर्थात हमारे जो वेदांत है वो पारंपरिक कर्मकांडों की जगह ध्यान आत्म अनुशासन और आत्मीय संपर्क पर केंद्रित है, इन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, अर्थात सी। तो ये हमने जाना इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अचिंत्य भेदाभेद के बारे में। तो पहले जानते हैं कि ये अचिंत्य भेदाभेद है क्या। तो अचिंत्य भेदाभेद जो है वो वेदांत का ही एक स्कूल है जो अकल्पनीय सोच और अंतर के दर्शन को प्रतिनिधित्व करता है। ये अचिंत्य भेदाभेद है, और संस्कृत में अचिंत्य का मतलब होता है अकाट्य, जिसका कोई आपके पास काट न हो। भेद का और अर्थात भेदा का अनुवाद होता है अंतर, और अभेद का अनुवाद होता है गैर अंतर, नॉन डिफरेंसेस। ये इनके मीनिंग होते हैं संस्कृत में। इसका पूरा हुआ अचिंत्य भेदा भेद, तो वो हमने इसको टुकड़ों में तोड़ के इसका मीनिंग समझा। अब गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वो धार्मिक परंपरा भगवान और उनकी ऊर्जाओं के बीच जो भगवान है और उनकी ऊर्जाओं के बीच जो सृजन और रचनाकार का जो संबंध है उनको बनाती है, उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वो। तो ये इसके बारे में बात करी कि भगवान और उनकी ऊर्जा, सृजन और उनके रचनाकार, इनके बीच के संबंधों को दर्शाने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं गौड़ीय वैष्णव धार्मिक परंपरा। तो ये हमने बात करी इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन शास्त्र जो है हमारा फियोसोफिकल जो सिस्टम है उसमें से निम्नलिखित में से कौन से कथन आपको सही प्रतीत होते हैं। तो एक जो जीव होता है, एक लिविंग जो बीइंग होता है, एक जीवित प्राणी जो होता है, क्या वो अवस्था है जिसमें पुरुष को किसी न किसी रूप में प्रकृति से जोड़ा जा सकता है? जी हाँ, हम एक जीवित प्राणी को एक प्रकृति से जोड़ सकते हैं। उसके बाद पुरुष, जिसे आत्मा भी कहा जाता है, एक अपने स्वभाव से अपरिवर्तनीय, शाश्वत और चेतन है। हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि आत्मा जो है वो न मारी जा सकती है न वो पैदा होती है, आत्मा शाश्वत रहती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है सी, ए एंड बी बोथ। तो ये इसका सही आंसर हुआ।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो सांख्य प्रणाली का सिद्धांत है उसका मूल तंत्र क्या है, क्या है वो। तो हमें पहले उस पे जाने से पहले सांख्य प्रणाली के बारे में, जैसा कि हमें पता है कि भारतीय दर्शन में सांख्य प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा और बहुत रिकग्नाइजेबल काम किया है। तो पहले जानते हैं कि सांख्य प्रणाली क्या है, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य प्रणाली भी एक है। 6 में से हमने कितने तो यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके सामने, वैशेषिक का स्कूल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, न्याय हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक काम कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में 6 के 6 टाइप्स को लिखिए, जिससे कि मुझे पता चल सके आपको भारतीय दर्शन प्रणाली के बारे में कितना नॉलेज है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा तो इस पे डिस्कस करते हैं, जो 6 प्रकार में सांख्य प्रणाली भी एक है और जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रतीत हुआ था, यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। जो हमने अभी बात करी थी कि भारतीय दर्शन शास्त्र में इसके लिए कपिल मुनि को सबसे बड़ा प्रवर्तक माना जाता है। और सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संख्या संबंधी या विश्लेषण, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसकी सबसे प्रमुख जो धारणा है वो है कि सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है, कि जो सृष्टि है वो प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति यानी कि पंच महाभूतों से बना हुआ जड़ है, और पुरुष यानी जीवात्मा या चेतन है। तो ये प्रकृति और पुरुष का मतलब हुआ। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत शाक्तों के शिव शक्ति के सिद्धांत इसके समानांतर दिखते हैं। तो ये हमने इसके बारे में जाना कि हमारा जो सांख्य शास्त्र है वो क्या है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकृति या आदिकालीन पदार्थ जो है, और पुरुष या व्यक्तिगत जो चेतना है, उनके बारे में क्या ये सिद्धांत लिखा गया है सांख्य प्रणाली। तो ये हम अभी पढ़ गए हैं, प्रकृति और पुरुष के बारे में ही यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन ही आपको देखते ही सही मिल जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कि पूर्व मीमांसा पे विचार कीजिए। तो पूर्व मीमांसा पे विचार करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि द स्कूल इवेंचुअली मर्स बिकॉज ऑफ द क्लोजली रिलेटेड मेटाफिजिकल थियोरीज। गलत है कि इसके अनुसार कि जो ये स्कूल थी, जो पूर्व मीमांसा स्कूल जो थी, फियोसॉफिकल स्कूल थी, ये विलीन हो गई थी अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों के कारण। ये गलत है। नेक्स्ट जो है वो है कि मीमांसा अन्य स्कूलों की तार्किक और दार्शनिक शिक्षाओं को स्वीकार करते थे, परंतु वो ये जोर देते थे कि मुक्ति जो है वो केवल वेदों के नुस्खों के अनुसार काम करके ही मिल सकती है। तो ये सही है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो मीमांसा और पूर्व मीमांसा जो लिखा गया है वो रूढ़िवादी प्रणाली के तहत आता है, और रूढ़िवादी प्रणाली के तहत वो वेदों के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसमें ये ज़रूर लिखा होगा कि ये वेदों के नुस्खों के अनुसार ही मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हुआ द्वितीय। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वो उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विशिष्टाद्वैत का प्रमुख है, विशिष्टाद्वैत को कंटेन करता है, तत्व, हित, पुरुषार्थ। तो जो विशिष्टाद्वैत होता है उसके अंदर ये सभी कंबाइंड होते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद को बाद आपने पढ़ा होगा, तो उसमें तत्व, हित और पुरुषार्थ सभी कंबाइंड होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये सब अब वन लाइनर क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे थे। इससे पहले हम एनालिसिस वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो उनमें हम आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट भी लेके आए थे, लेकिन अब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं तो इनको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, जिससे कि हम टाइम भी कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो पाए। तो इसका सही आंसर है मखली गौशाला के द्वारा 5वीं शताब्दी में आजीविका संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीविका जो स्कूल है उसका सिद्धांत क्या है। उसका जो सिद्धांत है वो निरपेक्षवाद, जो निरपेक्षवाद होता है उस पर डिपेंड करता है। डिटर्मिनिज्म,
पे डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट जो डिटर्मिनिज्म है, जो निरपेक्षवाद है, और नियति सिद्धांत, हम ये कह सकते हैं निरपेक्षवाद का नियति सिद्धांत जो है वो आजीविका का एक स्कूल का सिद्धांत है। तो उसका सही आंसर जो है वो है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में पूछना चाहता है कि किस प्रकार की बातें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो भौतिकवाद के तहत आपको क्या क्या मिलता है? तो सभी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है, जो आपको विजिबल है, क्या वो पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से बनी हुई है? ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से मिलके, इन्हीं तत्वों से मिलके ये हमारी चीज़ें बनती है। तो ये सही है। उसके बाद जो माना नहीं जा सकता वह मौजूद नहीं है, अर्थात दैट विच कांट बी परसीव्ड डजंट एग्जिस्ट। जिसको हम, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको हम मान नहीं सकते। ये भौतिकवाद का एक कॉन्सेप्ट है। और जो चीज़ मौजूद है उसको हम परसीव कर सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं। तो भौतिकवाद का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि उस चीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी तो हम उसको मानेंगे, अगर नहीं है उसकी एग्जिस्टेंस तो हम उसको मान नहीं सकते। तो ये भी सही है। थर्ड, स्वर्ग और नरक आविष्कार के अलावा और कुछ नहीं है। ये एक इन्वेंशन है जो मनुष्य के द्वारा किया गया है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत मनुष्य का ये आइडिया रहता है कि एक जो सुख पाने का जो लक्ष्य है वो पाना और दर्द से बचना, उसके लिए ये स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट है, ये भी सही है। उसके बाद फाइनली, प्रोवाइडिंग अ गुड लिविंग फॉर द प्रीस्ट इज अ सफिशियंट एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो भौतिकवाद के अनुसार ये भी सही है। तो भौतिकवाद के अनुसार ये चारों कथन जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल जो है वो वेदों के अधिकार के साथ साथ ब्राह्मण पुजारियों के आधिपत्य को चुनौती देता है, अथॉरिटी ऑफ द वेदाज एज वेल एज हेगमनी ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट। तो अभी हम पहले पढ़ के आए हैं कि भौतिकवाद में क्या होता है कि वो उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जिनकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन अगर आप वेदों के अधिकार की बात करेंगे, ब्राह्मणों और पुजारियों के द्वारा कही गई बातों के बारे में बात करेंगे, अगर हमारे रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे, तो उनमें बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी देखने की मिलेंगी जो आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस से परे होंगी। तो भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो इनको चुनौती देता है। तो भौतिकवाद का जो चावार्क दर्शन है वो इसको चुनौती देता है, इसीलिए इसका आंसर है ए। तो ये हमने जाना ए के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल मूल रूप से सनातन धर्म कहा जाता है? सनातन धर्म, तो सनातन धर्म जो हम बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जो हमारे वेद लिखे गए हैं, इन सब चीज़ों, अर्थात आप यहाँ से तो आप सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि सनातन धर्म अर्थात वेदों के अधिकार पे हम जाएंगे, और वेदों के अधिकार पे अगर हम जाएंगे तो हम आस्तिक स्कूल पे ही जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी। तो इसका सही आंसर हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जीव के बारे में पूछना चाहता है कि एक जीव क्या होता है और हमें इससे किससे रिलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव शब्द की सही व्याख्या करता है? तो ये वह अवस्था है जिसमें पुरुष या पौरुष को किसी न किसी रूप से प्रकृति से जोड़ा जा सकता है। सही है, तो पहला कथन ही यहाँ पे सही है, तो आगे कथनों को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जीव जो होता है उसको हम प्रकृति से जोड़ के देख सकते हैं, नेचर से जोड़ के देख सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो योग के बारे में है। तो योग जो है वो ईश्वर या भगवान के साथ साथ सांख्य स्कूल के 25 सिद्धांतों को स्वीकार करता है, इसलिए ये अधिकांशतः आस्तिक है। सही बात है, योग जो है वो प्रकृति को, जो पौरुष है उसको अलग से महसूस करने के लिए व्यावहारिक एक कदम देता है। तो योग जो सिद्धांत है वो हमें ऐसा एक व्यावहारिक सिद्धांत देता है जहाँ पे हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट योग देता है। जी सही है ये भी।
थर्ड योग प्रणाली की स्थापना हिरण्यगर्भ ने की थी और बाद में ऋषि पतंजलि ने इसे व्यवस्थित और प्रचारित किया था। तो पतंजलि को वैसे भी योग शास्त्र के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो ये आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कथन भी यहाँ पे सही है। तो इसमें आपको तीनों कथन सही देखने को मिलेंगे, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, अर्थात फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आपको न्याय स्कूल पे आधारित कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और फिर उनमें से आपको सही सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि जो न्याय स्कूल है इसकी कार्य प्रणाली तर्क की एक प्रणाली पर आधारित है जो बाद में भारतीय स्कूलों के बहुमत द्वारा अपनाई गई, ठीक उसी तरीके से जैसे अरस्तु के दूरस्थ तर्क ने पश्चिमी दर्शन को प्रभावित किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलना चाहता है कि अरस्तु का जो तर्क था उसने पश्चिमी जो दर्शन था, पश्चिमी जो वेस्टर्न जो फिलोसॉफी थी उसको इफेक्ट किया था, क्या उसी तरीके से न्याय दर्शन ने भारतीय दर्शन प्रणाली को इफेक्ट किया और भारतीय स्कूलों द्वारा, भारतीय फिलोसॉफिकल स्कूलों द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया, क्या ये सही है, ये पूछना चाहता है। इसके अलावा दूसरा लक्ष्य किसी के भी मन को शांत करना और कैवल्य प्राप्त करना है, अर्थात द गोल इज टू क्वाइट वंस माइंड एंड अचीव कैवल्य। तो यहाँ पे जो सही आंसर है न्याय स्कूल से रिलेटेड जो है वो है ए, अर्थात केवल एक जो प्रथम जो था वो सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस स्कूल ने मान्य ज्ञान के रूप में धारणा और अनुमान, प्रिसेप्शन एंड इन्फेरेंस, इनको एक्सेप्ट किया। तो वो था वैशेषिका स्कूल। तो इसका सही आंसर है वो है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताया कि वैशेषिका स्कूल वो स्कूल है जिसने अपने वैलिड नॉलेज, अपने मान्य ज्ञान के रिसोर्सेज या सोर्सेज के रूप में जो धारणाएं और जो अनुमान है उनको स्वीकार कर लिया था। तो ये है वैशेषिका स्कूल के बारे में एक क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल को लोकायत के रूप में जाना जाता है। लोकायत का मतलब है प्रकृतिवादी या फिर सांसारिक, इसके रूप में जाना जाता है। तो वो है चार्वाक स्कूल जो है उसको हम प्रकृतिवादी या सांसारिक रूप में जानते हैं हमारी जो स्कूल्स हैं उनमें से। तो इसका सही आंसर है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर बुद्ध को कभी भी मानव के रूप में चित्रित नहीं किया गया लेकिन दो पैरों के निशान या पहिए के चक्र के रूप में दर्शाया गया। तो वो जगह है सांची। सांची में जो बौद्ध के लिए प्रतीक के रूप में अपनाया जाता है वो है उनके दो पैर के निशान या पहिए के प्रतीक के रूप में उन्हें चित्रित वहाँ पे किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नीचे दिए गए आपको स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ आर्ट्स हैं, उनमें से किसने अपनी जीवटता और आत्मसात चरित्र के लिए सिर्फ ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विख्यात किया। ये इनमें से कौन से स्कूल ऑफ आर्ट की बात की जा रही है, क्या गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात की जा रही है, अमरावती, मथुरा या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर आपको ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको कई चीज़ें मिलती है। अब जानते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। तो मथुरा में जो खुदाई की गई थी तो संगमरमर से बनी बुद्ध मूर्तियाँ प्राचीन काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक भारतीय कला में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है आपको। और ये जो कला है ये पहली शताब्दी से लेकर पांचवी शताब्दी तक अपने चरम पर पहुंच गई थी, जबकि इसी काल में गुप्त और कुषाण शासक अपनी सत्ता में थे। और मथुरा जो कला शैली में लाल रंग के पत्थरों से बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। तो बुद्ध धर्म के बारे में तो यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाता है। उसके बाद कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया और मथुरा कला परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक थी, जबकि गंधार जो कला परंपरा है वो दूसरी कला परंपरा थी और गांधार जो कला परंपरा है उसमें ग्रीको रोमन परंपरा पर आधारित थी जो एक विदेशी तकनीकी से ग्रहण की गई थी, जबकि मथुरा कला जो थी वो पूर्णतया भारतीय तकनीकी पर आधारित थी।
तो हमने यहाँ पे मथुरा कला के बारे में डिस्कस किया और यहीं पे हम हमारे जो इस वीडियो के अंदर जो कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस करना था वो ख़त्म करते हैं। अब उसके आगे वाली वीडियो में कुछ और एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद हम चलेंगे मिडाइवल पे और फाइनली हम मॉडर्न पे चल के इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पाँचवा वीडियो था जिसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये आपके लिए बाइलिंगुअल सीरीज़ आ रही है, प्लीज़ इस वीडियो सीरीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके तो इसको आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम आपको जहाँ शेयर करना है वहाँ शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, आप टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो, बाय।